हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट में पहला बात तो है कि द सॉलिड स्टेट में सॉलिड होता क्या है। तो सॉलिड होता है, इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डिफिनिट सेल्फ, डिफिनिट मास एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, उसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो डिफिनिट सेफ हो, मतलब जिसका सेफ क्या हो, डिफाइन हो, और जिसका मास डिफाइन हो, और जिसका वॉल्यूम भी डिफाइन हो, उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। बोलते हैं it is that state of matter which have definite self, definite mass and definite volume। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट। सॉरी, तो कैमरा से बाहर चला गया, बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान ना दें। ठीक है, अब हम लोग का जब सॉलिड स्टेट क्लियर होता है तो फिर आगे आता है कि सॉलिड स्टेट कितने टाइप्स का आता है। तो सॉलिड स्टेट दो टाइप्स का हम लोग के सिलेबस में होता है, मतलब सॉलिड स्टेट दो टाइप्स का ही होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होता है एमर्फस सॉलिड्स। तो हम लोग सॉलिड स्टेट को दो टाइप्स में बांट देते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होता है एमर्फस सॉलिड्स। एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक तरफ लिखेंगे एमर्फस सॉलिड्स, एमर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम लोग ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं रेगुलर पैटर्न में। जैसे देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसके नीचे जस्ट, फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बनाते हैं, फिर इसके नीचे बनाते हैं। ये क्या है कि एक पैटर्न शो कर रहा है कि एक पैटर्न में ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन एमर्फस सॉलिड क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन इरेगुलर पैटर्न्स। मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक नीचे जाओगे तो फिर एक यहाँ पे, मतलब कहीं भी ये अरेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और ये होता है इरेगुलर अरेंजमेंट होता है एमर्फस सॉलिड में। ठीक है, अब इसे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें केवल फिगर नहीं ना पूछेगा, पूरा डिफाइन करने के लिए पूछेगा। तो हम लोग वन बाई वन करके इसके पाँच या छः पार्ट्स देख लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे डिफरेंस बिटवीन। अगर एग्जाम में अधिकतर, मतलब ये 100% श्योर है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, अगर डिफाइन करके नहीं आएगा, डिफरेंस बिटवीन नहीं आएगा, तो इसे एक या दो नंबर का प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। पहला इसका ये लिख सकते हो तुम कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न होता है, और इसमें लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, यहाँ कैमरा में दिख रहा है ना, आर अरेंज। देखो,
अगर इस चीज़ को जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ अगर अपने कॉपी में भी नोट करते जाओगे आराम से मेरे साथ, तो आपका एक नोट्स बन जाएगा। अरेंज इन इरेगुलर पैटर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसका क्या होता है कि ये देखिए, एक ये रॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है, मतलब एक अरेंजमेंट चालू हो रहा है तो ये बहुत दूर तक ले एक ही पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, चाहे रॉन्ग रेंज अदर, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, शॉर्ट रेंज अदर। दस यहाँ से ये चालू हुआ अरेंजमेंट और कुछ देर बाद फिर क्या होगा, कोई दूसरा पैटर्न ये फॉलो करने लगता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज अदर और इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज अदर, ठीक है। फिर एक मेन ये चीज़ होता है, ये एक दो नंबर में पूछा जा सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक हमारा ट्रू सॉलिड होता है, क्योंकि ये एक अच्छा सॉलिड होता है, और ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड दीजिए ट्रू सॉलिड, ठीक है। लिखेंगे दिज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। और इसमें लिख दोगे दिज आर पीसीडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। देखो दिस आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स, मतलब ये एक ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और ये दिज आर पीसीडो सॉलिड्स, पीसीडो मतलब यहाँ पे आता है, मतलब जो ऐसा सॉलिड्स जो नहीं है, मतलब सॉलिड्स है ही नहीं, झूठा सॉलिड्स है, ठीक है, उसे हम लोग पीसीडो सॉलिड बोल सकते हैं। और सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब होता है कि जो लिक्विड की तरह बिहेव्स करे, उसे हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें लिख सकते हो तुम, अगर तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर काटोगे, अच्छा ठीक है, इसे हम लास्ट पॉइंट डालते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे देखते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, मतलब एक शार्प इसलिए होता है कि अगर इसे तुम मेल्ट करोगे तो किसी एक पॉइंट पे ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे लिखते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। और इसमें लिख सकते हो क्या, मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें लिख सकते हो तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ये लिख सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब तुम कॉट करोगे, तो इसको जब दो टुकड़ा करोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो दोनों टुकड़ा तुम्हारा क्या होता है कि एक प्लेन स्मूथ सरफेस आता है, लेकिन ऐसे ही अगर दूसरे तरफ एमर्फर सॉलिड को अगर तुम कॉट करते हो तो एक रफ सरफेस आता है, मतलब इरेगुलर सरफेस आता है, ठीक है। जैसे मैं तुम एग्जांपल में एक इरेजर को तुम तोड़ते हो तो एक स्मूथ सरफेस नहीं रहना आता है, इरेगुलर पैटर्न्स आता है, उसी को हम बोलते हैं एमर्फर सॉलिड्स। और जैसे तुम आयरन को तोड़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आता है, स्मूथ सरफेस आता है और प्लेन सरफेस आता है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लिखेंगे ऐसे, ठीक है, थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बोले थे कि जिसका शार्प और स्मूथ होता है, कट करने पे शार्प और स्मूथ है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी इसे लिख सकते हैं, इसे कि क्रिस्टलाइन, लॉन्ग में लिखवाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कट विथ ए
शार्प एज टूल दे स्प्रिट इनटू, स्प्रिट मतलब तोड़, स्प्रिट तोड़ देना, इनटू स्प्रिट मतलब टू पीसेज स्प्रिट एंड पीस आर प्लेन एंड स्मूथ। ठीक है, और इधर आता है एमर्फर सॉलिड में लिख सकते हो, एमर्फर सॉलिड में लिख सकते हो, थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना मोबाइल स्टैंड वगैरह अभी प्रॉब्लम है थोड़ी सी एमर्फस, ये मेरी पहले वीडियो है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोग कंटेंट पे ध्यान दें। ठीक है, एमर्फस सॉलिड्स कट विथ ए शार्प एजेज टूल्स दे कट इंटू टू पीसेज टू पीसेज विथ ई रेगुलर सरफेस। जब इसे हम लोग कट करेंगे तो एक इरेगुलर सरफेस आएगा। ठीक है, और इसका जो मेन एक डिफरेंस हम लोग ले सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, कि एक होता है देखो आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक के लिए हम बता देते हैं कि आइसोट्रॉपिक, इसके लिए तो यहाँ पे स्पेस है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो कि दीज आर एन, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम्हारा एन आइसोट्रॉपिक होता है। ठीक है, क्यों होता है हम बता देते हैं, एन आइसोट्रॉपिकल इन नेचर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और इसको लिख सकते हो दीज आर आइसो ट्रॉपिकल इन नेचर। अब याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं कि देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पे एमर्फस सॉलिड ए से होता है, तो कभी भी याद रखना कि ए ए के साथ मैच नहीं हो रहा, मतलब एमर्फस सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक, मतलब ए ए एक साथ नहीं होगा। ठीक है, याद रखने का तरीका, और क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में एन आइसोट्रॉपिक हो जाएगा क्योंकि ए मैच नहीं होगा, इसीलिए ए किसके साथ भाग जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ, और एमर्फस सॉलिड क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो याद रखने का, लेकिन देखो एन आइसोट्रॉपिक होता क्या है, कितना बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग एक ट्रिक रख लेते हैं, एस डी, एस डी क्या होता है, एस डी, और इधर लिख सकते हो तुम एन आइसो, सॉरी एन आइसोट्रॉपिक में होता है डी डी, दिल्ली दे दे बॉल। ठीक है, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, और एस डी। ठीक है, तो डी डी मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन, और एस डी मतलब सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब देखो अगर हम लोग इस ये प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी एक लगाते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर्टी अलग होगा, इसके लिए प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है डिफरेंट डायरेक्शन के लिए, और इसमें क्या होता है कि
जब एमोरफस सॉलिड में कोई प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये प्रॉपर्टी किसी पे सेम ही डिफरेंट सेम प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, और डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फिर इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग बताएँ, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। गुड बाय और स्टे सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए आप लोग घर पे रहिए और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मेरे से जुड़ने के लिए। और पहला वीडियो है, जो भी मेरे से गलती होगा मैं सुधार करूँगा और कोशिश करूँगा कि और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।